हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये है यामा की एफ जेड। ये यामा की एफ जेड एस नहीं है, ध्यान रखिए, यामा की एफ जेड है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को ख़रीद सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। मतलब आज की जो वीडियो है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये जो प्योर ब्लैक कलर, ये आपको एफ जेड में ही आता है। ध्यान रखिए, ये एफ जेड वर्जन 3 मॉडल है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, या तो एफ जेड एस में कंफ्यूज मत होना, या फिर एफ जेड वर्जन 4 में कंफ्यूज मत होना। ये यामा की एफ जेड एस वर्जन 3 का प्योर ब्लैक कलर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मॉडल आपको एक्सरूम प्राइस आती है 1,16,200 रुपीज़, 1,16,200 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट की आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। यह बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 1,32,000, 1,32,000 रुपये के आसपास की ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों का दोस्तों इस बाइक का क्या प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के रिव्यू में। कंप्लीट इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट लाइट देखें, तो इसमें आपको पुरानी वाली लाइट देखने को मिलती है। पुरानी वाला इन द सेंस जो वर्जन 3 में आती थी। वर्जन 4 में कंपनी ने लाइट का डिज़ाइन, लाइट का लुक जो है वो चेंज किया था। DRL लाइट आपको एकदम नई फ्रेश DRL लाइट उसमें देखने को मिलती थी, बट इस वाली में आपको पुरानी की तरह देखने को मिलती है। बट ये जो ब्लैक कलर अगर आप लेना चाहते तो उसके लिए आपको वर्जन 3 ही लेना पड़ेगा। वर्जन 4 में आपको वो कलर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फ्रंट में आपको बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी प्रीमियम सस्पेंशन। कंपनी ने काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छे जो सस्पेंशन है इस बाइक में ऑफर किए हैं, ठीक है। और सस्पेंशन क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको यमहा की ब्रांडिंग मिलती है। फ्रंट में दोस्तों इस बाइक में आपको 180 के आसपास के जो टायर साइज है वो आपको बाइक में फ्रंट में मिलेगी। ब्रेकिंग में इस बाइक में आपको स्पेशल फीचर में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये ABS है, जो कि सिंगल चैनल ABS आपको बाइक में देखने को मिलता है। और अगर बात करें प्लेट साइज के बारे में, तो फ्रंट में 282 की जो प्लेट है वो आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है। तो ब्रेकिंग जो प्लेट है वो भी आपको बाइक में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अब चलते हैं इस बाइक की लाइटिंग्स की तरफ। तो आप लाइट देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे इस बाइक में आपको LED DRL लाइट नहीं मिलता। इसमें आपको पहले बता दूँ, जो पायलट लैंप मिलते हैं वो नॉर्मल आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। इस वाली मॉडल में DRL लाइट नहीं आता। बाकी मेन लाइट में दोस्तों आपको बाइक में फुली LED जो लाइट है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। लाइट की इल्यूमिनेशन एंड जो विजिबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, लाइट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। टनल सिंगल लैंप में आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। आपको बता दूं दोस्तों, इंजन टाइप में इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा सा जो इंजन है वो हमें देखने को मिल जाता है। इस बाइक में 149cc का एयर कूल्ड 4:2 वोल्वो SOC जो इंजन है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलेगा। दोस्तों मैक्सिमम पावर में ये बाइक लगभग 12.4 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है, एंड 13.3 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बाइक में आपको पावर एंड जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एयर कूलिंग इंजन दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI आता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। दोस्तों ये 5 गियर के साथ में आती है। इसमें आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलेगा। इसकी जो बोर साइज़ है वो 57mm की है। स्ट्रोक साइज़ भी 57.9mm के आसपास की देखने को मिल जाती है। बाकी यमहा का इंजन है, इंजन क्वालिटी आपको काफ़ी सुपर मिलता है। और आपको बता दूँ, ये E20 विद BS6 नॉर्म्स वाला इंजन है, यानी कि लेटेस्ट नॉर्म्स के साथ में आती है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वर्जन 3 डिसकंटिन्यू हो गई थी, ऐसा वैसा सा कुछ नहीं है। कंपनी ने लेटेस्ट मतलब नॉर्म्स के साथ में से डिज़ाइन करके उतारा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके हम माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों ये बाइक मिनिमम आपको कम से कम 45 के आसपास का माइलेज ऑफर करती है। 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 15 सेकंड लगता है। टॉप स्पीड आपको इसकी 120 से 125 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। मतलब पावर एंड परफॉर्मेंस भी आपको बाइक में जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली बात है भाई, एफ जेड है और नामी बाइक है, तो परफॉर्मेंस तो आपको इस बाइक का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी
लगती है। बाकी मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद है ये कलर ऑप्शन, ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। ठीक है, रियर में आते हैं। रियर में आप देख पा रहे हैं ये बाइक का एग्जॉस्ट है जो कि काफ़ी बेसी साउंड करता है। ठीक है, रियर में इस बाइक में आपको 140-160 के आसपास के टायर साइज देखने को मिलेंगे। रियर में दोस्तों इस बाइक में आपको 220 mm के आसपास की जो डिस्क प्लेट है वो आपको रियर में देखने को मिलती है। ठीक है, रियर में आपको बाइक में जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक के। ठीक है, साथ में आपको बताना चाहूँगा रियर में आपको बाइक में जो टेल लाइट मिलती है आपको LED देखने को मिलेगी। ठीक है, सॉरी बल्ब देखने को मिलती है, इसमें LED नहीं आती, वो वर्जन 4 में आती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं E20 की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको बाइक में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ब्लू कोर की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर की तरफ। सबसे पहले आप की देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, स्पीडोमीटर में आपको काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे। इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, इकोनॉमिक इंडिकेटर, साथ में बाइक में आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में ये बाइक आती है। फीचर्स काफ़ी अच्छे आपको बाइक में मिलेंगे। एक स्विच दिया है जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2 को आपको 0 करना है तो आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। स्विचेस में दिस इज फास्ट सीज, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल, फोन, इंजन किल्सी, सेल्फ असिस्ट आपको बाइक में मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो 1990 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की है। सीट हाइट इसकी 790 mm की है। आपकी हाइट अराउंड 5.2 से ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, बाइक का कर्व वेट 135 kg के आसपास का है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर के आसपास की मिल जाती है। सो दोस्तों ब्रांड न्यू यामा की एफजेट वर्जन 3 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आप लोगों को दोस्तों ये कलर कैसा लगता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी पर्सनली तो मुझे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।